हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हाइड्रा सीक्रेट के साथ। तो आप सबको पता है कि हाइड्रा सीक्रेट अभी हाइड्रो को छोड़ चुके हैं। उन्होंने हाइड्रो को क्यों लीव किया, उन्होंने इसके बारे में बात करी। आप उनकी एक क्लिप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हाइड्रा छोड़ दिया भाई, देखो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। टीम मैच, अगर लेट्स मैं गो। पैसे के पीछे होता ना तो मेरे को 9 महीने पहले 10 महीने पहले बहुत ऑफर्स थे जो मेरे को बहुत अच्छा सैलरी दे रहे थे। ऐसे की बात होती ना, मैं बहुत पहले से लगा क्यों छोड़ा फिर हाइड्रा भाई। जब नाइस, जब किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है क्या नहीं। जब सीसी वगैरह ने भी लीव किया तब भी हमें कुछ नहीं पता। देखो हम लोग ने ना रिलेशंस के वजह से बहुत टाइम हमने साथ दिया, बट फिर वही बात आ जाती है ना कि रिलेशंस पे अगर देखो सबका चल रहा था ठीक है, कुछ ना कुछ हमें भी जवाब देना पड़ता है ना घर पर क्या कर रहा। अभी तो मैं सैलरी के बिना हूँ, अभी तो मैं हूँ भी नहीं कहीं, बट वही बात है। एंड रिसेंटली जब मावी एंड नियो दोनों अपने चैनल पर स्ट्रीम कर रहे थे तो नियो ने मावी के चैनल पर रेड करी, तो इस पे मावी ने जो रिएक्शन दिया आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। जाओ सब जाओ। पाशा रेड, पाशा ये बैंड पाशा कौन है अब? पाशा क्या होता है मदर, क्या लिख रहे हो? बैंड में पुद्दे पाशा कौन है अब, को बताएगा क्या होता है? बैंड में पुद्दे ओ भाई, आ गया आ गया आ गया, डाल रहे भाई। कहाँ क्या डाल रहा है, कहाँ क्या डाल रहा है तुम पे? अरे 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 डाल दिया रे इन पे। अबे जाओ बे, इधर क्या देख रहे हो? सब जाओ सब जाओ, तीन बंदे सब जाओ भैणचोद, बता दो पाशा कौन है। कैसा सा खेलने लग रहे हो, क्यों क्यों मर रहे हो? कर देता है इसके पहले, अलग दुख चल रहा है लाइफ में अभी। पाशा पाशा ए मेरे को बता तो दो, कोई यूट्यूबर है क्या? भेड़ का लैंड देख ये पाशा क्या होता है बे? भाई होता है वैसे तो, मतलब है पाशा क्या होता है? भाई 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 नियो रे, नियो रेड है क्या? नियो कौन, गॉडल वाला? पाशा भी गिव अप बोल रहा है कि नेड़ा। अच्छा ओके ओके, बहुत ठीक है ठीक है, थैंक यू बड़ी फॉर द रेड, थैंक यू सो मच बड़ी। तब भी देखो इतने लोग बढ़ गए एकदम, क्या स्ट्रीम कर। ओ यार यार यार, एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं जोनाथन स्काउट का, जो पूरा मैटर चल रहा था उसके बारे में। तो इस मैटर की शुरुआत हुई थी जोनाथन की गाड़ी वाले पोज के साथ, जिसके बाद स्काउट ने भी सेम पोज में अपने इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की थी। एंड उसके बाद से मैटर चलते आ रहा है जिसमें डेली कोई ना कोई अपडेट आती जा रही। तो फाइनली नियो ने भी इस पूरे मैटर के बारे में बात करी, आप उनकी एक क्लिप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये चीज़ पे कभी मत बोल कि जॉनी का, ये जॉनी का, जॉनी का अगर 5 मिलियन नहीं भी रहता ना, जॉनी को क्या अच्छे सपोर्ट कर रहा मैं? मेरे को एक चीज़ बताओ, जॉनी को ऐसा हो गया क्या कि मैं जॉनी को कभी सपोर्ट नहीं करता था और फिर मैंने देखा जॉनी ने इसको ओवरटेक कर लिया सब्सक्राइबर्स में, तो चलो अभी जॉनी को सपोर्ट, ऐसा नहीं ना। जब जॉनी फिर मैंने वो डाला वो ट्रिपल आर स्टोरी, सब शांत ना, सब शांत। और मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जॉनी के साथ खेलता है मतलब इन पास्ट, ये कॉन्ट्रोवर्सी के पहले, इसके पहले सब सही चल रहा था इन लोग का ना। जॉनी इसको आज तक कभी पोक किया है, बट इसने हमेशा किया है ब्रो। सीन क्या हो जाता है पता है क्या? क्लास है ना, क्लास मेरे में नहीं है, अपन में है अक्से छपरी का अपने, ठीक है मानते हैं बे, पर मैं ट्राई कर रहा है कि इन पास्ट मैंने जो गलतियाँ की वो नहीं करूँ। बट सीन क्या है कि अपन बड़े हो सकते हैं लाइफ में, बट अपन कुछ कुछ चीज़ें ना पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि वो है क्लास। जोनाथन को देख, तू मॉर्टल को देख, अभी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े सामने से, क्यों? क्योंकि अपना एक क्लास मेंटेन करके चलते हैं ना, बात कभी कुछ बोला नहीं। फिर इसने जोनाथन को करा ना, फिर हम लोग ने तो भी इसका नाम नहीं लिया स्ट्रीम पे, क्योंकि हमको पता है कि इसका एटीएम मोटो क्या है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसको चाहिए कि इसको रिप्लाई मिले, और दे रहा है तुम्हारा भाई, क्योंकि अभी ये 5-6 दिन से बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, बट तो भी इसको मैं तो भी समझा रहा हूँ ना, गुस्सा होकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जाके ये स्ट्रीम पे बोलता है कि हमारी टीम 5 मिनट से ज़्यादा लॉबी में टिकती नहीं है, मेरी टीम इतनी अच्छी है कि
हम अगर मर गए लॉबी में तो ही जाके ये लोग छोटे मोटे चिंदी टीम्स को मार के आ जाते हो तो आ जाते, वरना 5 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं, उतरो लूटो और मर जाओ। हस बे हस हस हस, गेम प्ले को लेके आई गेस बोल रहा था वो, आई गेस वो चीज का तो उसका नहीं बात करना चाहिए, और उसको पहली बात गेम खुद ही नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अपने खुद ही लास्ट बैन पे प्रमोट किए कि बैन गेम्स में खेलता नहीं, और इवन ये बैन के भी स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि मैं बैन गेम्स नहीं खेलने वाला, मत खेलो क्या फायदा, बट अभी उसको समझ गया है, अब तो कुछ होने से रहा। पहले दिन क्वालिफाई करूंगा, दूसरे दिन इनको टारगेट करूंगा। अभी लास्ट 1-1.5 साल से कौन सा खुद का टीम लेके क्वालिफाई किया है? हमेशा क्वालिफाइड टीम के स्लॉट पे खेला है तू, कौन सा खुद के दम पे क्वालिफाई किया है कभी? फनाटिक में तो तेरे को इनविटेशन मिल गया था हमारे स्लॉट पे एनटीटी के, हाँ नहीं फ्लैटिक को नहीं, वो सारे के सॉरी वो किसी और को मिला था, बट उसमें देखो इनविटेशन मिला एक आईएनडी के टाइम पे, आई गेस 2019 वाला, हाँ वो तूने खुद के दम पे किया, बट उसके बाद तो हमेशा दूसरों के, अबे टैलेंटेड प्लेयर्स के स्लॉट खा लेता ब्रो तू। बहुत अच्छे बंदे ने बहुत टाइम पहले बोला था कि ये पानी पिला के भी गिनाता है, खाना खिला के भी गिनाता है, अब मेरे को समझता है कि गिना सकता ही है, क्योंकि भले तू कितना भी सक्सेसफुल हो जा, तू कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता ब्रो, उसके लिए दिल साफ चाहिए, समझा? और तू सिर्फ प्रिटेंड करता है, पर तेरा दिल साफ नहीं है। और मैं क्या बोल रहा तेरे को, ये जो तू बोल रहा है ना, ठीक है स्ट्रीम पे बोल रहा है ना, जो ये सेम कितने बार अपन मिले, कभी मुंह पे बोला है मेरे? मैं बोल रहा है तू नेक्स्ट टाइम मेरे को मिलेगा, मेरे मुंह पे खड़े रहे, ठीक है? और बस तूने 10 बातें बोले ना, 10 बातें भी मत बोल, मैं बोल रहा सिर्फ 2 बात बोल दे उसमें से, मेरे मुंह पे खड़े रह के, फिर मेरे साथ जो बंदे भी रहेंगे ना उनको भी पता है क्या करना है, मेरे को भी पता है क्या करना है। और वो गया अभी वो टाइम कि कान में हाथ डाल दूंगा, मुंह से बाहर निकाल लूंगा, मैं बोल रहा बस अभी मुंह के सामने खड़े रह के वो 2 बातें बस मेरे को बोल, समझा? जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो मेरे साथ रहेंगे वो टाइम पे, को भी पता मेरे को भी पता फिर क्या करना है, समझा? एनडीसी स्ट्रीम में नियो ने स्काउट के बारे में बात करते हुए स्काउट की शादी के बारे में बात करी, तो उनकी वो वाली क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सुना अभी तेरा शादी होने वाला है ना, तो मिले तेरे को और कि तू, बट तू कम से कम एक अच्छा इंसान बन जा उनके लिए, वरना समझ रहे जिनसे शादी कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे वो, कि मेरा दामाद लाइव स्ट्रीम पे आके गाली देता है बच्चे लोग को, माँ बहन की। शादी वादी कर अच्छे से रहे, अच्छा इंसान बन जा, सुनो शादी के बाद लोग अच्छा इंसान बन जाते हैं,